पर्वत का विशेषता वितरण वगैरह बताने के बाद मैं पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, जिनमें से दो प्रमुख हैं, एक तो कोबर का भूसंधि सिद्धांत और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक अन्य है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जिस तरह से पर्वतों की उत्पत्ति बताई गई है वो आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोबर का भूसंधि सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये कैसे पर्वतों की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या कर पाते हैं, कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। इस बीच में ये जोड़ना चाहूँगा कि सैकड़ों लोगों की रिक्वेस्ट के चलते एडमिशन हमारे ऑनलाइन बैच में 5 अगस्त तक खुला हुआ है। प्रक्रिया पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ उसे दोहराना शोभा नहीं देगा। 5 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोबर का भूसंधि सिद्धांत सबसे पहले पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लें कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से खास हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। मैंने इस पर चर्चा की थी लेकिन फिर से एक बार दोहरा दूं, कोबर का भूसंधि सिद्धांत। कोबर का भूसंधि सिद्धांत। दूसरा है प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तीसरा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चौथा है जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत। एक और है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। एक अन्य है जेफरीज का संकुचन सिद्धांत। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, बस इतना ही प्रारंभिक परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है। जो अन्य बातें प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं पर्वत निर्माण सिद्धांत से, वो आप अभी आने वाले समय में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पर्वत निर्माण के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से दो खास हैं, एक कोबर का भूसंधि सिद्धांत, दूसरा प्लेट थ्योरी। कोबर का भूसंधि सिद्धांत। कोबर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर महोदय ने माना कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति यानी फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति भूसंधियों के गर्भ से होती है। सवाल है कि भूसंधि क्या है। दो महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच जो सकरा सागर होता है ना, दो महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच जो सकरा सागर होता है, छिछला सागर, उसे हम भूसन्नति कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रायद्वीपीय भारत और एशिया के बीच, जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो प्रायद्वीपीय भारत और शेष एशिया के बीच जो सकरा सागर था उसे हम टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं, क्लियर। कोबर महोदय के अनुसार वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों के गर्भ से होती है। कोबर महोदय ने वलित पर्वतों को भूसन्नतियों के संकुचन का परिणाम माना है, मतलब जब भूसन्नतियां संकुचित होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो वलित पर्वतों का उत्थान हो जाता है। चित्र में आप साफ देख सकते हैं कि कोई भूसन्नति है जिसे हमने टेथिस भूसन्नति मान लिया, वो यहां पर संकुचित हो गई, मतलब उसकी चौड़ाई कम हो गई, गहराई बढ़ गई, तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। यानी कोबर महोदय ने पर्वतों को, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को भूसन्नतियों के संकुचन का परिणाम माना है। कोबर महोदय के अनुसार आज जहां पर वलित पर्वत हैं, महाद्वीपों पर जहां कहीं भी वलित पर्वत हैं, वहां पहले भूसन्नतियां थी, यानी छिछले सागर थे। कोबर महोदय के अनुसार भूसन्नति के चारों तरफ दृढ़ भूखंड था, यानी कठोर चट्टान थी, उसे उन्होंने क्रेटोजेन कहा है। भूसन्नति के चारों तरफ स्थित दृढ़ भूखंड को उन्होंने क्रेटोजेन कहा है। कोबर महोदय के अनुसार
करोड़ों सालों तक भूसन्नति में महाद्वीपों से निकलने वाली नदियों ने अवसादों का जमाव किया, यानी बालू मिट्टी चट्टानों के टुकड़ों का। महाद्वीपों से निकलने वाली नदियों ने करोड़ों वर्षों तक भूसन्नतियों में अवसादों का जमाव किया। अवसाद सेडिमेंट्स। अवसादों के जमाव से भूसन्नति की गहराई में कमी आई, यानी भूसन्नति भरती गई धीरे धीरे। आप देख पा रहे हैं भूसन्नति धीरे धीरे, जब अवसाद जमेगा तो भूसन्नति की गहराई में कमी आएगी, यानी उसकी तली ऊपर उठेगी। तो अवसादों के जमाव से भूसन्नति की तली ऊपर उठती गई, यानी उसकी गहराई में कमी आई, और साथ ही अवसादों का बोझ बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप अवसादों के दबाव से भूसन्नति में धसान की क्रिया होने लगी, है ना। यानी भूसन्नति में मलबे के भराव, अवसादों के भराव और भूसन्नति में धसान की क्रिया साथ साथ चलती रही। मलबा भरेगा तो बोझ पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिससे भूसन्नति में धसान होगा। तो भूसन्नति में अवसादों के भराव से उसकी गहराई में कमी आई, साथ ही अवसादों के दबाव से भूसन्नति की गहराई बढ़ती गई। यानी भूसन्नति में अवसादों के जमाव और भूसन्नति में धसान की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही। क्लियर। कोबर महोदय के अनुसार भूसन्नति में धसान होने के बाद भूसन्नति में संकुचन होने लगा। जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ी, उसका धसान बढ़ा, भूसन्नति में संकुचन होने लगा, यानी भूसन्नति की चौड़ाई कम होने लगी। भूसन्नति में संकुचन के परिणाम स्वरूप उसमें जमा अवसादी मलबा भींच गया। भींच मतलब दबाव पड़ा, भींच कर वलित हो गया, कहते हैं ना भींच देना, भींच गया। तो अवसादी मलबा संपीड़नात्मक बल यानी कंप्रेशन फोर्स से भींच कर वलित हो गया, अर्थात मुड़ गया, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। क्लियर। आप साफ साफ चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे वलित पर्वतों का मलबे का गहरा, मलबे का भराव, भूसन्नति में धसान, भूसन्नति में संकुचन और मलबा भींचकर संपीड़नात्मक बल से वलित हो गया। कोबर महोदय के अनुसार अवसादी मलबे में जो मोड़ की क्रिया थी किनारों पर ही अधिक हुई। आप साफ देख सकते हैं दोनों किनारों पर मोड़ की क्रिया यानी वलन की क्रिया किनारों पर ही अधिक हुई, जबकि बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ गया। कोबर महोदय के अनुसार अवसादी मलबे में भूसन्नति में संकुचन के परिणाम स्वरूप अवसादी मलबे में वलन की क्रिया अर्थात मोड़ की क्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक हुई, जबकि बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ गया, जिसकी क्षैतिज परतें अर्थात इसकी बीच के भाग की जो क्षैतिज परतें थी समतल अवस्था में ही ऊपर उठ गई। यानी परतदार, ये जो परतदार चट्टान है इनमें वलन की क्रिया नहीं हुई, ये समतल अवस्था में ही ऊपर उठ गई, क्षैतिज रूप में ही ऊपर उठ गई। वास्तव में जो कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत है वो पर्वतों के भौतिक स्वरूप की बड़ी अच्छी व्याख्या करता है। भूसन्नति सिद्धांत वलित पर्वतों के भौतिक स्वरूप की सर्वोत्तम व्याख्या प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सिद्धांत के अनुसार दो वलित पर्वतों के बीच में एक समतल पठार होना चाहिए, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार दो वलित पर्वतों के मध्य एक समतल पठार होना चाहिए। अगर हम हिमालय के संदर्भ में देखिए, है ना, हिमालय के संदर्भ में आप देखिए तो हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वतों के मध्य तिब्बत का ऊंचा पठार है। इसका मतलब यह सिद्धांत हिमालय और आसपास के क्षेत्र की काफी अच्छी स्पष्टीकरण करता है, उसकी काफी अच्छी व्याख्या करता है। क्युनलुन और हिमालय के बीच समतल तिब्बत पठार है, जिसकी चट्टाने जो है समतल अवस्था में है, यानी वलन की क्रिया मोड़ पर ही अधिक हुई है। क्युनलुन और हिमालय बीच का भाग समतल रूप में ऊपर उठ गया, तो तिब्बत पठार की जो परतदार चट्टाने हैं अवसादी चट्टाने वो समतल अवस्था में है, तिब्बत में वलन नहीं पाया जाता है, मोड़ की क्रिया नहीं पाई जाती है। क्लियर। समस्या कहां कहां पे? अच्छा, वास्तव में जो भूसन्नति सिद्धांत था हिमालय के संदर्भ में ही दिया गया था। कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वास्तव में हिमालय के संदर्भ में दिया गया था। जहां पे आज हिमालय है वहां पर पहले टेथी सागर हुआ करता था। टेथी सागर में उत्तर में अंगारा लैंड, यानी जो एशिया का शेष भूभाग है उसे हम अंगारा लैंड कहते हैं। इस टेथी सागर में उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, मतलब प्रायद्वीपी भारत। अंगारा लैंड मतलब शेष एशिया और गोंडवाना लैंड मतलब प्रायद्वीपी भारत, जो अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था। तो जहां पे आज हिमालय वहां पर पहले टेथी सागर था। टेथी सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलकर आने वाली नदियों ने
लंबे समय तक अवसादों का निक्षेपण किया। इसी अवसादी मलबे में वलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। क्लियर। तेथिस भूसन्निधि जो सिद्धांत है कोबर का, उसके आलोचना में दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। जब भी आपसे सिद्धांत पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में कि तेथिस कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत की व्याख्या करिए, या भूसन्निधि सिद्धांत किस प्रकार वलित पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण करता है, या आप समझाइए कि किस प्रकार भूसन्निधि सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप आलोचना के भी दो पॉइंट डालेंगे। कैसे? पहला आलोचना लिखेंगे कि भूसन्निधि सिद्धांत पूर्व पश्चिम में विस्तृत पर्वतों की उत्पत्ति की तो अच्छी व्याख्या करता है, यानी भूसन्निधि सिद्धांत से पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण मिल जाता है, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर दक्षिण में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता। भूसन्निधि सिद्धांत से पूर्व पश्चिम में विस्तृत पर्वतों का स्पष्टीकरण हो जाता है, इनकी व्याख्या हो जाती है, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर दक्षिण में विस्तृत पर्वतों की व्याख्या नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए भूसन्निधि सिद्धांत एंडीज और राकीज पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एंडीज और राकीज पर्वत तट पर है, वहां कोई छिछला सागर नहीं है, वहां पर विशाल महासागर है जो कि पहले पंथालसा था, अब क्या है, प्रशांत महासागर है। तो एंडीज और राकीज के पश्चिम में आप देखिए तो विशाल महासागर है, हिमालय की व्याख्या कर देता है, क्योंकि हिमालय जहां पे था वहां पे पहले टेथिस सागर था। तो मतलब इस सिद्धांत से पूर्व पश्चिम में फैले पर्वत का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, लेकिन उत्तर दक्षिण में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, उदाहरण के लिए एंडीज और राकीज। क्लियर। दूसरी आलोचना का आधार यह हो सकता है कि कोबर महोदय ने वलित पर्वतों के उत्थान के लिए जिस बल का प्रयोग किया है, किस बल का प्रयोग किया है, संकुचन बल का प्रयोग किया है, भूसन्निधि में संकुचन है ना, तो कोबर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के लिए जिस बल का प्रयोग किया है अर्थात संकुचन बल, वह वलित पर्वतों की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी केवल संकुचन से इतने विशाल पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह भी एक आलोचना का आधार है। तीसरा आधार अगर आप पूछना चाहेंगे आलोचना का, तो यह हो सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार भूसन्निधि में धसान की क्रिया हुई तो अवसादी मलबा भी धसान की तरफ बढ़ा, नीचे की तरफ बढ़ा, तो इस सिद्धांत के अनुसार अवसादी मलबे काफी गहराई तक पाए जाने चाहिए क्योंकि भूसन्निधि में धसान हुई है ना। सिद्धांत के अनुसार भूसन्निधि में धसान के परिणाम स्वरूप अवसादी मलबे काफी गहराई तक पाए जाने चाहिए, यानी हिमालय से नीचे काफी गहराई तक, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता कि हिमालय जिन चट्टानों से बना है वे चट्टानें काफी गहराई तक स्थित है, ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता, क्योंकि नीचे जाने पर मेंटल मिलने लगता है, एस्थोनोस्फीयर, जो कि अर्ध ठोस अवस्था में है ना। यह हो गया कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वास्तव में पर्वत निर्माण के संदर्भ में या वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से प्लेट थ्योरी सबसे कारगर है। प्लेट थ्योरी से न केवल महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, प्लेट थ्योरी से न केवल हिमालय पर महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों बल्कि महासागरों में स्थित वलित पर्वत, यानी जो द्वीप महासागर में डूबा हुआ है ना, जो द्वीप सागर सतह से ऊपर उठ गया वो तो हो गया द्वीप, जैसे जापान और फिलीपींस, लेकिन जो द्वीप समुद्र में डूबा हुआ है उसे हम महासागरीय वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वीप तो तभी खलाएगा ना, द्वीप क्या होता है, सागरी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जलराशि से घिरा हुआ है, छोटा भूखंड, वो द्वीप कहलाता है। लेकिन जो द्वीपीय क्षेत्र सागर सतह से ऊपर नहीं उठ पाए, अंदर ही रह गए समुद्र में, उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय वलित पर्वत, यानी महासागरों में भी वलित पर्वत है, समझ सकते हैं आप, है ना। तो प्लेट थ्योरी से न केवल महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों बल्कि महासागरीय वलित पर्वतों और साथ ही ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपों की उत्पत्ति की भी व्याख्या हो जाती है। प्लेट थ्योरी से न केवल महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों वरन महासागरीय वलित पर्वतों और
श्रृंखलाबद्ध द्वीपों की उत्पत्ति की भी व्याख्या हो जाती है, यानी ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपी चापों की उत्पत्ति की भी व्याख्या हो जाती है। आपने इससे पहले मेरे साथ प्लेटोनिक थ्योरी विस्तार में पढ़ा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो बातें बोल रहा हूं चैप्टर से इतर वो आप लिखते चलेंगे, है ना, जो सॉरी चैप्टर से संबंधित जो बातें बोल रहा हूं उसे आप लिखते चलेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करते हुए चलें या दो बार तीन बार देख लें तो आप खुद ही इतना समझ जाएंगे कि आप उसे आसानी से लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल यानी पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ स्थली भूखंड, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी परत, ऊपरी दृढ़ स्थली भूखंड, ये जो मोटा परत है पृथ्वी के बाहर का, सिद्धांत के अनुसार प्लेट सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ स्थली भूखंड क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर छह बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये अलग अलग प्लेटें हैं, क्रमबद्ध पट्टी के रूप में बाहरी परत नहीं है पृथ्वी की, बल्कि छह अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों की मोटाई सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा परिचय देना जरूरी है ना परतों के निर्माण के लिए। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, माना गया है कि अच्छा ये माना गया कि मतलब इस प्लेट 200 किलोमीटर की मोटाई मानी गई है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल किया जाता है। प्लेट जो कि 200 किलोमीटर मोटा है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, हमने पहले भी बताया था। अगर हम पृथ्वी की परतों को ले लें, ये क्रस्ट है ना, ये क्या है 700 किलोमीटर तक, क्या है ये कितना है गहराई 700 किलोमीटर मान लेते हैं, ये क्या है यहां तक मेंटल है ना, ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल, ये निचला मेंटल और ये ऊपरी मेंटल, यही तो पढ़ा था ना। निचला मेंटल कहां तक चला जाता है 2900 किलोमीटर तक चला जाता है, ये समझने के लिए यहां पर सब लिखना नहीं है। आपने प्लेट थ्योरी पढ़ा तो प्लेटों की मोटाई औसतन 200 किलोमीटर मानी गई है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी हिस्से को लिया गया है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग शामिल है ना। तो इन प्लेटों की मोटाई औसतन 200 किलोमीटर मानी गई है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल किया जाता है, जो कि क्या है दृढ़ स्थली भूखंड है, कठोर है वो काफी, वो एक क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है बल्कि छह अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों की मोटाई 200 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल किया गया है। ये प्लेटें अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में, ये प्लेटें अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में, हमने बताया था कि एस्थेनोस्फीयर अर्ध ठोस अवस्था में है, यानी पूरा ठोस नहीं है पूरा द्रव नहीं है, एस्थेनोस्फीयर अर्ध ठोस अवस्था में है, लेकिन फिर भी उसका घनत्व इतना अधिक है कि कठोर प्लेटें भी उसके ऊपर तैरती हुई अवस्था में है ना। तो ये प्लेटें अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है, और ये प्लेटें माना जाता है कि इन प्लेटों में गति होती है, यानी ये प्लेटें या तो दूर हट रही हैं या तो पास आ रही हैं, और इन प्लेटों की गति का कारण संवहन तरंगों को माना गया है, जिनकी उत्पत्ति बाह्य कोर से मानी जाती है। ये संवहन तरंगे बाह्य कोर में चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, इसलिए वहां से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, और ये संवहन तरंगे पूरे मेंटल में चक्राकार अवस्था में घूमती हैं, और जब ये प्लेट के निचले सतह से टकराती हैं तो चक्राकार अवस्था में घूमने के कारण ये संवहन तरंगे प्लेटों को विस्थापित कर देती हैं, इस कारण प्लेटों में प्रवाह होता है। चूंकि ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्रवाहित अवस्था में हैं, इसलिए इन प्लेटों के ऊपर स्थित महासागरीय और महाद्वीपीय भाग भी प्रवाहित हो रहे हैं। प्रवाह की दर लिखना नहीं है, सुनने के लिए, प्रवाह की दर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर वार्षिक हो सकती है, प्रवाह की दर काफी धीमी होती है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय भाग भी इन प्लेटों के ऊपर प्रवाहित होते हैं। चूंकि ये प्लेटें परस्पर सटी हुई हैं और गतिशील हैं, सटी भी हुई हैं और गतिशील भी हैं, इसलिए प्लेट किनारों पर विवर्तनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं।
टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, इसलिए प्लेट किनारों के सहारे ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। यानी ये प्लेटें परस्पर सटी हुई हैं, गतिशील हैं, इसलिए प्लेट किनारों पर विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं, प्लेट किनारों पर विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप न केवल महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों बल्कि महासागरों में स्थित वलित पर्वतों और ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपीय चापों की उत्पत्ति भी होती है। क्लियर। चूंकि प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशी प्लेट किनारा, ये सब आप समझ चुके हैं, छोटे छोटे चित्र भी बना चुके हैं, तीसरा संरक्षित प्लेट किनारा। प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों के मध्य अपसरण की क्रिया होती है, यानी प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती हैं। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, यानी प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है, यानी प्लेटें टकराती हैं। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे न तो प्लेटों में अपसरण होता है और न ही अभिसरण होता है, बल्कि प्लेटें अगल बगल विपरीत दिशा में सरकती हैं, न दूर हटती हैं न पास आती हैं, बल्कि अगल बगल सरकती हैं। प्लेट किनारों को थोड़ा सा परिचय देते हैं, अगर समय हो तो, वैसे न भी दे तो चलेगा, सीधे सीधे आप पर्वत पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं। विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। क्लियर। यहीं पे बताएंगे विनाशी प्लेट किनारे के सहारे ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। विनाशी प्लेट किनारा, जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं, यानी अभिसरित होती हैं। इसी अभिसरण के परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों, महासागरी वलित पर्वतों और ज्वालामुखी द्वीपों या ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपों की उत्पत्ति होती है। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं और इसी अभिसरण के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर स्थित वलित पर्वतों, महासागरी वलित पर्वतों और ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपों की उत्पत्ति होती है। अभिसरण की प्रक्रिया में अभी महाद्वीप महासागर ये सब नहीं लिखेंगे, अभी इसी में जोड़ेंगे। अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर मेंटल में छेपित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कम घनत्व वाली प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपर स्थित महाद्वीपी मलबा मुड़कर वलित हो जाता है, जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। चूंकि प्लेटें महाद्वीपी भी हो सकती हैं और महासागरी भी हो सकती हैं, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां होती हैं। पहले बताया जा चुका है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में विस्तार से, तीसरा या चौथा लेक्चर था उसमें विस्तार से बताया गया है कि प्लेटों के मध्य, चूंकि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, महाद्वीपी और महासागरी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां होती हैं, महासागर महासागर अभिसरण, महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण और महाद्वीप महासागर अभिसरण। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे
महाद्वीप महासागर अभिसरण। हम देखेंगे कि किस तरह से महाद्वीप और महासागर अभिसरण के परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। महाद्वीप महासागर, महाद्वीपी और महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजका प्लेट के मध्य होने वाला अभिसरण है। महाद्वीप महाद्वीपी महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पूर्वी प्रशांत महासागर में देखा जा रहा है, जहां दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजका प्लेटें टकरा रही हैं या अभिसरित हो रही हैं। यह क्रिया पूर्वी प्रशांत महासागर में संपन्न हो रही है। इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप हम पहले बता दें कि हमेशा महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होगा, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होगा। महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि महासागरीय प्लेट नीचे है और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर है। हमने बताया था कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे घनत्व और दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी में नीचे जाने पर घनत्व और दबाव बढ़ता जाता है। चूंकि महासागरीय प्लेट नीचे होती है इसलिए उसका घनत्व अधिक होता है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजका प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया है। यह क्रिया पूर्वी प्रशांत महासागर में है ना, चिली और पेरू के तट के पास संपन्न हो रही है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण बिल्कुल तट के समीप होता है, एकदम तट के पास होगा, है ना, आप देख रहे हैं एकदम तट के पास होगा। तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण बिल्कुल तट के समीप होता है। इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाली नजका प्लेट अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली दक्षिण अमेरिकी प्लेट को पीछे ढकेलकर उसके नीचे मेंटल में छेपित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिकी प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपर स्थित महाद्वीपी मलबा है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो मलबा है ऊपर वो मुड़कर वलित हो गया और इससे एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। और दुनिया के सबसे विशाल एंडीज पर्वत, दुनिया के सबसे विशाल वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। फिर से बता दें, अधिक घनत्व वाला नजका प्लेट जब कम घनत्व वाले दक्षिण अमेरिकी प्लेट को पीछे ढकेलकर मेंटल में छेपित हुआ उसके नीचे, तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके ऊपर स्थित महाद्वीपीय मलबा वलित हो गया और विश्व के सबसे विशाल एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। क्लियर? जब नजका प्लेट मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचती है तो बेनियाफ जोन का निर्माण हो जाता है, यानी तापमान इतना अधिक होता है कि लावा का निर्माण होता है। यह लावा चूंकि पास में समुद्र है तो जलवाष्प बनाता है। यह जलवाष्प ऊपर स्थित दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दरारों के सहारे ऊपर उठता है, जलवाष्प के साथ यह लावा दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दरारों के सहारे ऊपर उठता है और ऊपर स्थित एंडीज पर्वत पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि एंडीज पर्वत पर अनेक ज्वालामुखी शिखर भी पाए जाते हैं। जहां पर नजका प्लेट छेपित हुई वहां पर महासागर की तली काफी गहरी हो जाती है। यही कारण है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ अनेक ट्रेंच पाए जाते हैं, यानी महासागरी खड्ड पाए जाते हैं, जैसे पेरू ट्रेंच, चिली ट्रेंच। ये सब बताना नहीं है लेकिन जानते रहेंगे, हो सकता है समय आपके पास हो ये सब चीजें जोड़ देंगे तो फायदा ही मिलेगा। लेकिन उतना ही लिखना है, ध्यान रहे मैं जितना भी पढ़ाऊं लेकिन लिखना उतना ही है जितना पूछा गया है और जितना कि आप 10 से 12 मिनट में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से कम लिखेंगे, चित्र अधिक बनाएंगे भूगोल में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चूंकि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया बिल्कुल तट के समीप होती है, इसलिए इस अभिसरण से बने वलित पर्वत, ज्वालामुखी शिखर, हरे कलर का वलित पर्वत है, पीले कलर का ज्वालामुखी शिखर है, तो चूंकि यह अभिसरण बिल्कुल तट के पास होता है इसलिए वलित पर्वत, ज्वालामुखी शिखर और महासागरी खड्ड बिल्कुल तट के समीप पाए जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी शिखर में एंडीज पर स्थित इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, एंडीज पर कुल 22 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। क्लियर? ये तो आपने देखा कि किस तरह महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अब हम देखेंगे महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण, महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया। हमने बताया ना कि प्लेट किनारे, सॉरी चूंकि प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती है महासागरीय भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां होती हैं। दूसरी परिस्थिति कौन सी है? महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। दो महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया है।
ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया है। जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ जब इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित गोंडवाना लैंड है ना, जब इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा था, तो जब यह यूरेशियन प्लेट के पास पहुंचा तो दोनों के मध्य स्थित टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबा वलित हो गया और इसी मलबे के वलन से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यानी आज जहां हिमालय है वहां पर पहले टेथिस सागर था। फिर से रिपीट कर दूं, जब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा था और यूरेशियन प्लेट से अभिसरित हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो दोनों के मध्य स्थित टेथिस सागर में करोड़ों वर्षों से जमा अवसादी मलबा वलित हो गया और इसी वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब पर्वतीकरण की यह प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न हुई, यानी इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के चलते जो पर्वतीकरण की क्रिया हुई, कहां? टेथिस सागर में। पर्वतीकरण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न हुई, यही कारण है कि हिमालय में तीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्लियर? हिमालय के नीचे दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण अभी भी जारी है। हिमालय के नीचे दोनों प्लेटों के मध्य यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया अभी भी जारी है, अर्थात इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे छिपित होता जा रहा है। इसलिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्र है, भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर है। इसलिए पूरे हिमालय क्षेत्र में भूकंप के बड़े झटके आते हैं, क्योंकि भूगर्भिक दृष्टि से स्थिर है। क्यों? क्योंकि हिमालय के नीचे दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया अभी भी जारी है, यानी हिमालय पर्वत का उत्थान अभी भी हो रहा है। इसलिए हिमालय का क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर है और पर्वतीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है और यहाँ पर भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था और यूरेशियन प्लेट से टकराया तो चूंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें थी, घनत्व तो दोनों का लगभग समान था, इसलिए इंडियन प्लेट नीचे मेंटल में नहीं जा पाया, क्योंकि दोनों का घनत्व तो समान था। यूरेशियन प्लेट ने उतना ही प्रतिरोध किया, परिणाम स्वरूप ये मेंटल में नहीं जा पाया और यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठाकर उसके नीचे समानांतर रूप में घुस गया। इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठाकर उसके नीचे समानांतर रूप में प्रवेश कर गया, जिससे दो महाद्वीपीय प्लेटों की तहें बन गई, एक के ऊपर एक। यही कारण है कि हिमालय के पीछे तिब्बत जैसे या हिमालय के उत्तर में तिब्बत जैसे ऊंचे और विशाल पठार का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि दो महाद्वीपीय प्लेटों की तहें बन गई, है ना। इस प्रकार आप देखिए तो प्लेट थियरी न केवल वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बल्कि प्लेट थियरी से वलित पर्वतों के पीछे स्थित पठारों का भी स्पष्टीकरण मिल जाता है। वलित पर्वतों के पीछे स्थित पठारों की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट थियरी में मिल जाती है। क्लियर? ये तो आपने देखा महाद्वीपीय अभिसरण, देखा कि किस तरह से वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या हुई और साथ ही उसके पीछे स्थित पठार की उत्पत्ति की व्याख्या हुई। अब हम देखते हैं महासागरीय प्लेटें हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अभिसरण महासागरीय क्षेत्र में संपन्न होगा। दोनों प्लेटें महासागरी हैं, इसलिए यह अभिसरण महासागरीय क्षेत्र में संपन्न हो रहा है। इसलिए इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर किसी वलित पर्वत की उत्पत्ति नहीं होगी। इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप किसकी व्याख्या होती है? इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप महासागरों में स्थित वलित पर्वतों, ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है। महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया से महासागरों में स्थित वलित पर्वतों और ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपीय चापों का स्पष्टीकरण मिल जाता है। यह क्रिया महासागर अभिसरण की क्रिया महासागरीय क्षेत्र में संपन्न होती है। इस अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी एशिया के पूरब में पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। दोनों महासागरीय प्लेटें हैं, लेकिन चूंकि यूरेशियन प्लेट भी महासागरीय है, प्रशांत प्लेट भी महासागरीय है, क्योंकि यह अभिसरण महासागर में संपन्न हो रहा है इसलिए हम इसे महासागरीय मान रहे हैं। लेकिन यूरेशियन प्लेट वास्तविक रूप में क्या है? वास्तविक रूप में एक महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन चूंकि अभिसरण महासागर में संपन्न हो रहा है इसलिए हम इसे महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण कहते हैं।
दोनों महाद्वीप दोनों महासागरीय प्लेटें हैं, लेकिन चूंकि यूरेशियन प्लेट के ऊपर एशिया महाद्वीप है इसलिए इसका घनत्व कुछ कम था और प्रशांत प्लेट का घनत्व कुछ अधिक था क्योंकि ये विशुद्ध रूप से महासागरीय प्लेट थी, है ना। तो इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप भी क्षेपण क्रिया हुई, क्षेपण क्रिया हुई यानी प्रशांत प्लेट क्षेपित होकर मेंटल में चली गई। क्यों? क्योंकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्रकृति की थी, इसके समीप क्या था? एशिया महाद्वीप था, इसलिए इसका घनत्व कम था और प्रशांत प्लेट का घनत्व ज्यादा था, इसलिए इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप भी क्षेपण क्रिया हुई। तो यह अभिसरण कहां संपन्न हो रहा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे संपन्न हो रहा है, जहां प्रशांत प्लेट अधिक घनत्व वाली प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट को पीछे ढकेल कर नीचे मेंटल में क्षेपित हो रही है। प्रशांत प्लेट के क्षेपण के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट का अग्र भाग विरूपित हो गया, जिससे उसके ऊपर स्थित महासागरी मलबा, ये नीचे कलर की जो ब्लू कलर की रेखाएं हैं वो जल क्षेत्र दर्शा रही हैं, यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्र दर्शा रही हैं। तो प्रशांत प्लेट के क्षेपण के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया, जिसके उसके ऊपर स्थित महासागरी मलबा मुड़कर वलित हो गया। परिणाम स्वरूप पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपीय चापों की उत्पत्ति हुई। इन द्वीपों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप में होता है। उदाहरण के लिए अलास्का के पश्चिम में स्थित अलेशियन द्वीपीय चाप, उसके दक्षिण में जापान द्वीप समूह, उसके दक्षिण में फिलिपाइन द्वीप समूह, उसके दक्षिण में पापुआ न्यू गिनी। तो पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपीय चापों की द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। जब प्रशांत प्लेट क्षेपित होकर 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचता है तो विन्यास जून का निर्माण हो जाता है, लावा का निर्माण होता है। यह लावा ऊपर स्थित प्लेट के दरारों के सहारे, यानी यूरेशियन प्लेट के दरारों के सहारे ऊपर स्थित द्वीपों पर प्रकट होता है, जिससे इन द्वीपों की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। जब द्वीपों पर लावा निकलेगा तो क्या होगा? द्वीपों की ऊंचाई भी बढ़ जाएगी और साथ ही इन द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखर का निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है? लावा के जमाव से धीरे धीरे पर्वत का लावा जब लगातार द्वीपों पर निक्षेपित होता रहता है, लावा का जमाव होता रहता है, तो ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो इन द्वीपों पर लावा के प्रवाह से न केवल द्वीपों की ऊंचाई बढ़ जाती है बल्कि द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखरों का भी निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप समूह हैं सभी पर ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, क्योंकि नीचे से लावा उठता रहता है। कहां से? जब प्रशांत प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर बेनियाफ जोन का निर्माण करता है, है ना। तो लावा निकलता है, ऊपर स्थित द्वीपीय चापों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है और धीरे धीरे इन द्वीपों पर ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? तो ये जो डूबा हुआ क्षेत्र है वो महासागरी वलित पर्वत है, जो समुद्र सतह से ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या है? द्वीप समूह है। प्रशांत प्लेट जिस जगह पर यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है वहां पर महासागरी खड्ड का निर्माण होता है। यहां पर गहराई केवल इतनी है, यहां पर आप देखिए गहराई ज्यादा है। तो जिस स्थान पर प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है वहां पर महासागरी खड्ड का निर्माण हो जाता है। यही कारण कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप समूह हैं जैसे जापान, फिलीपींस, उन सभी द्वीप समूह के पूरब में आप ध्यान देंगे, उन सभी मैप में देखिएगा, उन सभी द्वीप समूह के पूर्वी क्षेत्रों में ही महासागरी खड्ड पाए जाते हैं, जैसे फिलीपींस ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच वगैरह वगैरह। क्लियर? कर्माटेक ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, दुनिया में सबसे गहरे महासागरी खड्ड पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं, जो कि द्वीपीय क्षेत्रों के पूर्व में है ना, ये सभी द्वीपीय क्षेत्रों के पूर्व में पाए जाते हैं। तो चूंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर विश्व के दो सबसे बड़े प्लेटों के मध्य अभिसरण का क्षेत्र है, पश्चिमी प्रशांत महासागर विश्व के दो सबसे बड़े प्लेटों के मध्य अभिसरण क्षेत्र है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। अलेशियन द्वीपीय चाप से लेकर जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह होते हुए पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में द्वीप श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। अनेक द्वीपों का इसी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है। इन सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, यानी ये सभी द्वीप ज्वालामुखी शिखर के साथ साथ हैं और साथ ही महासागरी खड्ड भी इन द्वीप समूह के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट से रगड़ खाती है ना, वहां पर भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। यही कारण कि ये पूरा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। ये हो गया, आपने देखा कि किस तरह से
प्लेट किनारे तीन प्रकार के हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी और संरक्षित प्लेट किनारा। लेकिन आपने देखा कि पर्वत का निर्माण कहाँ हो रहा है, पर्वत का निर्माण केवल विनाशी प्लेट किनारे के सहारे हो रहा है। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे प्लेटों के मध्य अभिसरण होता है। अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर नीचे मेंटल में छेपित हो जाती है, जिससे कम घनत्व वाली प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो जाता है, जिससे उसके ऊपर स्थित महासागरी या महाद्वीपीय मलबा मुड़कर वलित हो जाता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आपने देखा कि किस तरह से प्लेट, चूंकि प्लेट महासागरी भी हो सकता है, महाद्वीपीय भी हो सकता है, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की तीन परिस्थितियां हैं, महाद्वीप महाद्वीप, महासागर महासागर, महाद्वीप और महासागर। आपने देखा कि किस तरह से महाद्वीप इन तीनों परिस्थितियों में अभिसरण की क्रिया हो रही है और पर्वतों का निर्माण हो रहा है, न केवल महाद्वीपीय पर्वतों का बल्कि समुद्र में डूबे हुए वलित पर्वतों का और ज्वालामुखी शिखरों का भी उत्पत्ति की व्याख्या हो रही है। आपने देखा और समझा। मिलते हैं अगले अध्याय में। पर्वत निर्माण के बाद आपने पर्वतों का वितरण पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी प्रीलिम के लिहाज से, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत पढ़ा मुख्य परीक्षा के लिहाज से। इसके बाद हम भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जुड़े रहिए आईएएस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए। मैं आपके साथ हूं, मैंने आपसे एक साल का समय मांगा है, एक साल मुझसे जुड़े रहिए, दिशा मिलेगी, है ना, एक दिशा मिलेगी जिस पर आप चलेंगे, विजन आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। मैं जिस स्तर पर पढ़ाई करवा रहा हूँ उससे न केवल आईएएस परीक्षा, साथ साथ यूपीपीसीएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ में होती रहेगी। जीएस के चारों प्रश्न पत्रों की तैयारी साथ में कुशल अध्यापकों द्वारा हो और साथ में मैं भी रहूँ, इसके लिए मैंने आपको एक उपाय बताया था। आप जब भी चाहें नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके कभी भी अगला बैच शुरू हो रहा उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने बताया कि अभी 5 अगस्त तक एडमिशन खुला हुआ है, आप आ सकते हैं।